सैंपलिंग घर घर गए होते हैं, दूर दराज इलाकों में गया सर, जाता उनके घर में गई जो मजबूर था या हैंडीकैप था, जो नहीं पहुंच सकते हॉस्पिटल में, नहीं पहुंच सकते या कहीं सैंपलिंग फील्ड पे नहीं पहुंच सकते। आप लोग ही काम करते हो, और दूसरा फील्ड होने के बावजूद भी आपने इसमें काम किया, ये तो फर्ज भी बनता, हर किसी का फर्ज बनता। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अप्रिशिएटिंग हर वर्क, शी डिजर्व्ड इट सर। काम तो यही करते हैं हम, तो आगे थोड़ा सा गाइड करते हैं इनको, और काम तो यही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो ये बबली रानी है, बेसिकली ये तो मास्टर ग्रेड में है, टीचर है, और स्कूल एजुकेशन के साथ इनकी वाबस्तगी है, लेकिन इन्होंने कोविड में आज ये घर नहीं गए, बहुत दूर रहते हैं, रजौरी में रहते हैं ये, और यहाँ ही रहे। इन्होंने 10,000 सैंपलिंग करी, यानी कि 10,000 लोगों की इन्होंने यहाँ पे सैंपलिंग करी, और वो जो फ्रंट लाइन वर्करों की तरह आगे आगे चलते रहे और अपना काम करते रहे। हमने और एलजी साहब ने इनका काम सराहाया, और तभी हमने ये किया कि हम इनको अप्रिशिएट करें, और ताकि इनको इनक्रेज करें, ताकि आप बाकी लोग भी आगे आएंगे और इसी डेडिकेशन के साथ और इसी ईमानदारी के साथ काम करें। तबसुम एक FMPHW वर्कर है पुलवामा में, इसने 7,000 वैक्सीनेशन करे, डोर डोर जाके, डोर टू डोर जाके, घरों में जाके, मोहल्लों में जाके, दूर दराज इलाकों में जाके इन्होंने वैक्सीनेशन करी, और इन्हीं लोगों से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वो भी अच्छा काम करें, और गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं, जो भी अच्छा काम है और जो भी अच्छा काम करता है उनको आप अप्रिशिएट करिए। उनको हम गवर्नमेंट ऑफ जो यूटी की गवर्नमेंट है इसकी तरफ से और डायरेक्टरेट की तरफ से इन दोनों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और इनका काम हम अप्रिशिएट करते हैं। जी मैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं तबसुमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, ब्लॉक मेरा ब्लॉक मेडिकल पड़ता है पुलवामा, तो मैं एज वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ अपनी ब्लॉक में। तो सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर साहब का थैंकफुल करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतनी, और सबसे पहले मैं अपनी BMO साहिबान का, अपने डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को बहुत ज़्यादा इनकी थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इसमें बहुत साथ दिया। क्योंकि जो जहाँ पे मुझे मुश्किल आता है वैक्सीनेशन करने में, कुछ भी रेडी रखना था, तो सर ने मुझे हमेशा साथ दिया, और मैम भी मेरे साथ, इन्होंने बहुत साथ दिया। सबसे पहले मैं इनको अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कितनी मुश्किल इसको, मुश्किल तो हर किसी काम में आते हैं, मगर जब इंसान उसकी मुश्किल को छोड़ के, पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी काम हो, और वो इजी बन जाता है जब हम आगे काम करेंगे, तो हर एक मुश्किल भूल जाते हैं उस टाइम। आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे काम को सराहा है। तो हमें विद इन नो टाइम में यहाँ पे बुलाया, कल शाम से थोड़ी मैसेज आ गई हमारे BO साहब की तरफ से, BMO साहब की तरफ से, कि डायरेक्टर हेल्थ जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है इज़्ज़त अफजाई के लिए, तो उसके लिए मैं उनका हाईली थैंक। इस कोविड में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम से मैं इस, पहले मैं सर्विलेंस टीम के साथ थी, आज मैं ये कोविड सैम्पलिंग टेस्टिंग कर रही हूँ, तो इसमें मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स का उनको फेस करना पड़ता। हाल ही में एक 9 मंथ बेबी जो है वो मैंने पॉजिटिव लाया, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसमें खुद का भी ख्याल रखना पड़ता और दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता, इसके मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और जैसे कि मैं यहाँ की हूँ नहीं, मुझे एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, दूसरा मैं खुद पेइंग गेस्ट हूँ, तो मुझे अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता। बींग ए फीमेल मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जब से कोविड शुरू हुआ है तो काफ़ी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और बाकी लाइन डिपार्टमेंट ने भी बहुत काम किया है, तो इनको एनकरेज करने के लिए जो ऑनरेबल MG साहब है कि उनकी डायरेक्शन से कि जो डेडिकेटेड वर्कर्स है जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, इनको एनकरेज किया जाए। तो उसी कड़ी के सिलसिले में आज यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर ने 2 ऐसे ही कोविड वॉरियर्स को, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिनकी सराहना पूरे लोगों ने की है, मीडिया ने की है, गवर्नमेंट ने की है, लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया में भी इनकी मतलब जो है खबरें शाया हुई है, को अवार्ड से नवाजा। तो यही इसी कड़ी के सिलसिले में यहाँ ये फंक्शन था,
तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो ये है कि हर एक उस वर्कर को जो भी डेडिकेटेड काम करेगा उसको एनकरेज किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा।